हाँ तो भाइयों, मोदी जी आज हमको बहुत ही हंसी मजाक की कहानी सुनाएंगे। आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा और आपको कहानी से कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मोदी जी कहानी शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है मित्रता में धोखा देना। एक गांव था, उस गांव में दो व्यापारी रहते थे। वे दोनों अपना अपना व्यापार करते थे और अपना अपना गुजारा करते थे, पर वे दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र भी थे। एक समय ऐसा आया कि घनश्याम व्यापारी को पैसे की जरूरत थी, तो वह अपने मित्र घासीराम के पास गया। उसने अपने मित्र से कहा कि भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है तो मुझे दे दो, मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं पैसे के बदले में अपनी तराजू आपके पास गिरवी रख देता हूँ। मैं जैसे ही शहर से वापस आऊंगा तो मैं अपनी तराजू आपसे ले लूंगा। तो घासीराम ने कहा कि ठीक है भैया, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। फिर घनश्याम उन पैसों को लेकर शहर चला गया। घनश्याम ने शहर में जी तोड़ मेहनत की और अच्छी खासी कमाई की। इसके बाद 2-3 महीनों के बाद घनश्याम अपने घर लौटा। घनश्याम ने शहर से जो भी पैसे कमा कर लाया था, उन पैसों से वह फिर से गांव में अपना व्यापार चालू करना चाहता था। फिर वह अपने दोस्त घासीराम के पास गया और अपना हालचाल बताया। फिर घनश्याम ने घासीराम से कहा कि भैया, मैंने तुम्हारे पास मेरी तराजू गिरवी रख कर गया था, वह मुझे वापस दे दो और अपने पैसे ले लो। तो घासीराम ने निराश होकर कहा कि मित्र, मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जब तुम तराजू मेरे पास रख कर गए थे तो मैंने तुम्हारी तराजू को अपनी कीमती वस्तु समझकर कपड़े में बांधकर अलमारी के ऊपर रख दिया था, पर क्या करूं दोस्त, तुम्हारी तराजू को तो मेरे घर के चूहों ने 10 दिनों में ही खा पी के चट भजन कर गए। तुमसे ये बातें बोलने में मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अगर मेरे को पहले पता होता कि तराजू को चूहे खा जाएंगे तो मैं तराजू को बड़े से लोहे के संदूक में रख देता। मेरे को तुम्हारी तराजू का बड़ा अफसोस हो रहा है। तो घनश्याम समझ गया कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा है, पर घनश्याम ने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं दोस्त, ये सब तो चूहों की मर्जी। फिर घनश्याम ने कहा कि भैया, मैंने शहर से तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, पर मैं घर पर ही भूल कर आ गया हूँ। तो तुम्हारे बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं मिठाई देकर तुम्हारे लड़के को वापस भिजवा दूंगा। तो घासीराम ने कहा कि क्यों नहीं, ले जाओ मेरे बेटे को। फिर घनश्याम और घासीराम का बेटा घनश्याम के घर आ गए। इधर घासीराम अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि बेटा मिठाई लेकर आएगा तो मिठाई खाकर मुंह मीठा करूंगा। पर सुबह से शाम हो गई, घासीराम का बेटा घर नहीं आया। तो घासीराम घनश्याम के घर पहुंचा और घनश्याम से कहा कि दोस्त, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, कहाँ है मेरा बेटा? तो घनश्याम ने उदास मन से कहा, क्या बताऊं दोस्त, हम दोनों घर आ रहे थे तो तुम्हारे बेटे को एक चिड़िया उड़ा ले गई। मैं चिड़िया को पकड़ने ही वाला था, पर वह आकाश में उड़ गई। इधर घासीराम को गुस्सा आ गई और जोर से बोला, दोस्त मजाक मत करो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। घनश्याम ने मुस्कुरा कर कहा कि भैया, सब चिड़िया की मर्जी। फिर घासीराम ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा साहब से करूंगा और तुमको सजा दिलवा कर रहूंगा। फिर घासीराम ने राजा साहब से शिकायत की तो राजा साहब के मंत्रियों ने घनश्याम को पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर राजा साहब ने उन दोनों की अपनी अपनी बात सुनी तो राजा साहब भी आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि चिड़िया भी लड़के को उड़ा ले जा सकती है और इधर लोहे की भारी भरकम तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। फिर मंत्रियों ने सिपाहियों से कहकर 20-25 चूहे बुलवाए और एक लोहे की तराजू बुलवाई और एक पिंजरा भी बुलवा लिया। फिर मंत्री ने पिंजरे में तराजू और चूहे को बंद कर दिया और देखते रहे कि चूहे तराजू को खाते हैं या नहीं। अगर तराजू का थोड़ा सा भी टुकड़ा खा जाएंगे चूहे तो घासीराम सही बोल रहा है। सुबह से शाम हो गई पर चूहे तराजू को खा नहीं पाए तो मंत्री ने राजा साहब से कहा कि महाराज, घासीराम झूठ बोल रहा है, इसको 10 साल जेल में रखा जाए। तो घासीराम ने कहा कि महाराज, मेरे से गलती हो गई, मैं अपने मित्र की तराजू को देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने मित्र से झूठ बोल दिया, पर मैं अभी घनश्याम की तराजू लाकर देता हूँ। फिर घासीराम ने घनश्याम की तराजू वापस दे दी और घनश्याम ने भी उसका बेटा वापस दे दिया। फिर राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया।
तो भैया दोस्ती में दरार या धोखा आदमी लालच के चक्कर में करता है। मोदी जी बहुत ही बढ़िया कहानी थी, सुनकर मजा आ गया। और भाइयों आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।